याद रखना, ये अभाव और अशिक्षा ये दोनों समाज के सबसे बड़े दुश्मन हैं। अटल जी एक ही बात कहते थे कि अशिक्षा और अभाव से जो समाज सफलतापूर्वक उसका मुकाबला कर ले, उसको सुरक्षित और समृद्ध होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अटल आवासीय विद्यालय के नए शैक्षणिक सत्र 2024-25 का शुभारंभ किया। साथ ही सीएम योगी ने मेधावी विद्यार्थियों को पुरस्कार एवं प्रवेशित विद्यार्थियों को स्कूल बैग के वितरण किए। सीएम के साथ मंच पर उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक, मंत्री अनिल राजभर, मंत्री मनोहर लाल मन्नू कोरी, मेयर सुषमा खरकवाल आदि मौजूद रहे। सीएम के समक्ष विगत शैक्षिक सत्र में छात्रों द्वारा बनाए गए इनोवेटिव और मॉडर्न मॉडल प्रस्तुत किए गए। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी ने आह्वान किया था देश के रजिस्टर्ड श्रमिकों के बच्चों के लिए बेहतर करने का, उसी क्रम में यह कार्य हो रहा है। हम सब श्रद्धेय अटल जी की स्मृतियों को संजोते हुए इन आवासीय विद्यालयों को शुभारंभ करने जा रहे हैं, जो 18 मंडलों में संचालित हो रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रजिस्टर्ड श्रमिकों की, बच्चों की समस्या और उनके शैक्षिक उत्थान के लिए देश भर को आह्वान किया था कि इसके लिए उन कुछ किया जाना चाहिए, और इस पूरे पवित्र कार्यक्रम के लिए इससे अच्छा अवसर हमारे लिए नहीं हो सकता था कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी वर्ष के शुभ अवसर पर हम लोगों ने गत वर्ष प्रदेश के 18 मंडलीय मुख्यालयों पर 18 अटल आवासीय विद्यालय आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से प्रारंभ किए।